स्वागत है आपका। राजस्थान में जहां एक तरफ बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश में आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। चित्रकूट से पहली यात्रा की शुरुआत हुई है। बैक टू बैक पांच यात्राओं को अलग अलग चरणों में निकाला जाएगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट में पहुंचे और इसे हरी झंडी दिखाई, साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कमलनाथ, कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था, लेकिन पिछले 20 साल में भाजपा ने जो विकास किया है उसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के पास रखेंगे। मध्य प्रदेश में जनता एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। जेपी नड्डा ने क्या कहा है सुनिए जरा। मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित राष्ट्र के रूप, विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और उनके आशीर्वाद से हम इस सफल कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे और मध्य प्रदेश की सेवा में फिर से जुट जाएंगे। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। मध्य प्रदेश में इस साल बारिश कम हुई है। कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर चंबल का जो इलाका है वहां पर बारिश कम हुई है, जिसके चलते किसानों में नाराजगी है क्योंकि उनके खेत सूखे हैं, मुआवजा उन्हें अभी तक मिला नहीं है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला किया है कि वो कल महाकाल की नगरी उज्जैन में जाएंगे, अच्छी बारिश के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए अनुष्ठान कराएंगे और उनके लिए कामना करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।